हर सेकंड शेयर प्राइस फ्लक्चुएट क्यों होते हैं? क्या बड़ा शेयर प्राइस मतलब बड़ी कंपनी या छोटा शेयर प्राइस मतलब छोटी कंपनी? सो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इस शेयर प्राइस की मिस्ट्री को आपको कंप्लीटली समझना पड़ेगा और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। सो इस शेयर प्राइस की पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक जूस सेंटर ओपन करना चाहते हो और सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं आप लोगों को 1,000 रुपए की जरूरत है। सो आप पांचों दोस्तों ने मिलकर 200 रुपए लगाए और 1,000 रुपए हो गए इकट्ठा। बस उसके बाद क्या था, आपने ओपन कर दिया अपना जूस सेंटर। सो अब चूंकि आप पांचों ने बराबर बराबर पैसे लगाए हैं यानी कि 200 रुपए, तो सबकी बनती है इसमें 20% की हिस्सेदारी, तो टोटल हो जाएंगे 100%। ग्रेट। लेकिन आप सोचो कि आप अगर ये 1,000 रुपए एक एक रुपए करके 1,000 लोगों से इकट्ठा करते तब तो परसेंट में कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता ना, 0.01%, बहुत टीडियस है याद रखना। इसीलिए शेयर मार्केट में यानी कि बिजनेस के मार्केट में परसेंट में याद नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि करोड़ों शेयर्स होते हैं कंपनियों के और उसमें से लोग 1, 2, 5, 10 लेते हैं, तो परसेंटेज में वो आता है 0.00001%। सो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते, कैलकुलेशंस होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में। सो सिंपल कंक्लूजन ये है कि बिजनेस के मार्केट में परसेंट की बजाय शेयर्स में बात होती है। सो अब हम यहाँ पे 20% कहने की बजाय ऐसा करते हैं, कंपनी के 5 शेयर्स बना लेते हैं और हर शेयर की कीमत 200 रुपए रख देते हैं, तो हर दोस्त के पास हो गए 1 शेयर यानी कि 20%। बट अभी परसेंट में हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स में। तो 5 शेयर्स बन गए और हर फ्रेंड के पास हो गए 1-1 शेयर्स। सो अब मान लो आपका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलने लगा, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको लगा अरे यार इसके तो और सेंटर्स ओपन करने चाहिए, और ब्रांचेस ओपन करने चाहिए। तब आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इसकी और ब्रांच खोलेंगे, लेकिन ब्रांच खोलने के लिए लगेगा पैसा। अब और पैसा कहां से आएगा? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप लोन ले सकते हो लेकिन उसमें फिर लोन चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें। दूसरा ऑप्शन कि आप अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पब्लिक में उसकी हिस्सेदारी बेच सकते हो और उसके बदले आपको मिलेंगे पैसे, और उन पैसों का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो इसी को कहते हैं IPO यानी कि प्राइमरी मार्केट, जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में लेकर के आती है और अगर पब्लिक इंटरेस्टेड है तो पब्लिक उन शेयर्स को ले लेती है। लेकिन मान लो आप लोगों ने ये सोचा कि अरे यार 200 रुपए का एक शेयर है, ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, थोड़ा महंगा लग रहा है, एक काम करते हैं शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं यानी कि तोड़ देते हैं, जहाँ हमारे पास 200 रुपए के 5 शेयर हैं उसके बदले काम करते हैं 100 रुपए के 10 शेयर बना देते हैं। तो कंपनी की वैल्यू तो सेम रही, चाहे 200:5 करो या 100:10 करो, कंपनी की वैल्यू तो 1000 की रही, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गए, उनकी वैल्यू कम हो गई। और अब इन दोस्तों ने सेबी से परमिशन लेकर के मान लो अपनी कंपनी को लिस्ट करा दिया BSE और NSE पे और उन्होंने अपने 5 शेयर्स पब्लिक में बेच दिए, तो इस हिसाब से 5 शेयर्स हो जाएंगे ओनर्स के पास, यानी कि इन पांचों दोस्तों के ग्रुप को एक ओनर मान लेते हैं कि ये पांचों ओनर हैं, तो ओनर्स के पास हो गए 5 शेयर यानी कि 50% हिस्सेदारी और पब्लिक के पास हो गई 50% हिस्सेदारी यानी कि 5 शेयर्स पब्लिक के पास। जैसे आप यहाँ पे रियल रिलायंस के बिजनेस में देख सकते हो कि प्रमोटर्स जो हैं 50% होल्ड करते हैं और बचे हुए जो लोग हैं वो 50% होल्ड करते हैं। बिल्कुल इसी एग्जांपल को हम अपने जूस सेंटर में भी अप्लाई कर रहे हैं, 50% ओनर्स ओन करते हैं और 50% पब्लिक। ग्रेट। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से बिजनेसेस अपना IPO लेकर के आते हैं और अपने बिजनेस की हिस्सेदारी पब्लिक में देते हैं, और ये पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेना चाहती हैं या नहीं। जैसे कि आप IPO में अप्लाई करते हो या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब IPO में कंपनी ने अपने शेयर तो दे दिए और कंपनी पैसे लेकर के चली गई बिजनेस करने। अब मान लो जिन पब्लिक ने इसके शेयर्स खरीदे थे उन्हें अपने शेयर सेल करने हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत है, तो अब क्या होगा, वो अपने डीमैट अकाउंट में जाकर के अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे। मान लो आप 100 रुपए का शेयर आपने लिया है और आपको लगता है कि यार इस शेयर की वैल्यू थोड़ी अच्छी है,
इसको 105 रुपए में मैं बेचूंगा। अब अगर सामने वाला कोई 105 में खरीदना चाहेगा, यानी कि वो भी अपने डीमैट अकाउंट में 105 रुपए का ऑर्डर लगाएगा कि हाँ मुझे खरीदना है, तो आपका ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज पे ये चीज मेंशन हो जाएगी, जो लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुआ वो 105 रुपए में हुआ। अब इसके शेयर प्राइस 105 के हो गए। लेकिन क्या ऐसे एक ट्रांजैक्शन होते हैं? आंसर है नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके करोड़ों शेयर्स हैं और ऐसे लाखों लोग हर सेकंड ये ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, और हर सेकंड जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है, कभी एक रुपया ऊपर कभी दो रुपया नीचे, वो हर सेकंड लिस्ट होते रहता है और हर सेकंड हमें दिखते रहता है कि कैसे प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हर सेकंड क्यों प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्योंकि हर सेकंड कोई ना कोई किसी ना किसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो अब आपको ये प्राइस फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि क्या छोटा शेयर प्राइस मतलब छोटी कंपनी। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो सिर्फ आपकी एक जूस सेंटर कंपनी नहीं, एक और जूस सेंटर कंपनी यानी कि ऑरेंज जूस सेंटर, वो भी लिस्टेड है और उसका शेयर प्राइस सिर्फ 50 रुपए का है। लेकिन जैसे आपके टोटल 10 शेयर्स हैं, उसके वैसे 10 शेयर नहीं है, 100 शेयर्स हैं, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 50 × 100 यानी कि 5000 रुपीज, और इसे हम कहते हैं कंपनी का मार्केट कैप। वहीं आपके 100 रुपए के शेयर थे लेकिन 10 ही शेयर हैं, तो 100 × 10 यानी कि 1000 रुपीज का मार्केट कैप। तो इस हिसाब से तो ऑरेंज जूस सेंटर कंपनी काफी बड़ी हुई, 5 गुना बड़ी हुई। तो कंपनी का साइज मार्केट कैप से डिसाइड होता है, ना कि शेयर प्राइस से। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं। अब आप देखिए, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का शेयर प्राइस है 3400 रुपए का, लेकिन इसके शेयर्स कितने हैं? 366 करोड़। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट कैप आता है 12 लाख करोड़ का, यानी कि TCS की कंपनी की साइज लगभग 12 लाख करोड़ है। वहीं अगर हम दूसरा शेयर देखें, जैसे कि बजाज फिनसर्व, तो आप यहां पे देख सकते हो कि शेयर प्राइस तो 13000 रुपए का है, लेकिन इसके ऐसे शेयर कितने हैं? सिर्फ 15 करोड़। तो इसलिए मार्केट कैप कितना बनता है? 2 लाख करोड़ का बस। यानी कि कंपनी की साइज TCS से लगभग लगभग 6 से 7 गुना कम है भाई साहब। तो इसलिए शेयर प्राइस से आप कभी भी कंपनी के साइज का अंदाजा मत लगाओ। आई एम श्योर अब आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि क्यों हर सेकेंड शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं और क्यों शेयर प्राइस से कंपनी के साइज का बिल्कुल भी पता नहीं लगता, और आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन कौन सा शेयर प्राइस सस्ता है, कौन सा शेयर प्राइस महंगा है, कैसे हम ये डिसाइड करें कि अगर ये कंपनी 2000 में मिलती ना तो सस्ती होती, या अगर ये कंपनी 4000 में मिल रही है ना तो महंगी होती। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व एक टाइम पे यानी कि लगभग 8 महीना पहले 19000 में मिल रहा था, तब ये क्या बहुत महंगा था? या फिर आज ये 13000 में मिल रहा है, आज भी महंगा है या सस्ता, ये चीज कैसे पता करें? और इसके लिए आपको ये वीडियो जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको हेल्प करेगा सस्ता और महंगा समझने के लिए, यानी कि कंपनी का PE। अब आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी ना शुरू हो गई है, अब इसको यहाँ पे स्टॉप मत करो, इस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपकी ये वेल्थ क्रिएशन जर्नी ना कंटिन्यू रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।